हेलो फ्रेंड, आई होप आपने बजट 2023 देखा होगा जो कि अनाउंस हुआ है 1 फेब को, और उसमें कुछ न्यू टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो हम इस वीडियो में बेसिकली जो न्यू टैक्स रेजिमे है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या न्यू टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और अगर कोई रिबेट या छूट भी मिली है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या टैक्स स्लैब्स है। सो जो पहला टैक्स स्लैब है वो है 0 to 3 lakhs का, दूसरा है 3 to 6 lakhs, नेक्स्ट इज 6 to 9 lakhs, फिर है 9 to 12 lakhs, 12 to 15 lakhs, और फिर लास्ट वाला स्लैब है अबव 15 lakhs। सो ये है बेसिकली एनुअल इनकम स्लैब्स। अब हर एक स्लैब के लिए डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको पे करना है, ठीक है। सो हम वन बाय वन हर एक स्लैब का कितना परसेंट टैक्स आपको भरना है वो हम इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट वाले के लिए अगर आपका इनकम 0 to 3 lakhs मतलब 3 lakhs या उससे कम है तो आपको निल है टैक्स, मतलब आपको जीरो टैक्स भरना, आपको कोई टैक्स भरना नहीं है। 3 to 6 lakhs के बीच में है अगर आपका इनकम, सो आपको 5% टैक्स भरना है। अब इसे समझिए पहले आप, अगर सपोज आपका इनकम 6 lakhs है, ठीक है, तो ये 3 lakhs पहला हो गया और दूसरा जो 3 lakhs बचा है, 6 में से 3 गया तो 3 lakhs बच गया ना। सो बाकी के जो 3 lakhs है उस पे आपको 5% टैक्स भरना है। सो बेसिकली आपका इनकम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 lakhs यहाँ पे हो गए और बाकी का जो 3 lakhs है उसमें आपको 5% भरना है, मतलब 15,000 भरना है, ठीक है। तो टोटल टैक्स कितना हो गया आपका 15,000 अगर आपका इनकम 6 लाख है। सपोज 5 लाख है, 0 टू 3 तो कवर हो गया, बचा हुआ 2 लाख पे आपको 5% देना है, मतलब 10,000 टैक्स देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लैब 6 टू 9 में आपको 10% टैक्स भरना है, मतलब अगर आपका इनकम 9 लाख है सपोज, सो उस केस में पहले 3 lakhs पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नेक्स्ट 3 lakhs पे आपको 5% मतलब 15,000 देना है, और नेक्स्ट 3 lakhs पे 10% मतलब 30,000। तो अगर आपका इनकम 9 lakhs है तो 15,000 प्लस 30,000 मतलब 45,000 आपको टोटल भरना है। सपोज आपका इनकम 8 lakhs है, सो उस केस में क्या करोगे, ये जो पहले के 3 lakh है इस पे कोई टैक्स नहीं है, नेक्स्ट 3 lakhs पे 15,000 आपको भरना है, और बाकी का कितना बचा, 6 lakh तो कवर हो गया, अब बचा 2, ठीक है। सो बाकी के जो 2 lakhs है उस पे आपको 10% मतलब 20,000 भरना है, ठीक है, अगर आपका इनकम 8 lakhs है तो, मतलब 15 + 20 35,000। नेक्स्ट अगर 9 to 12 lakhs के बीच में है इनकम, सो उस केस में 15% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है 12 to 15 lakhs, तो अगर आपकी इनकम 12 to 15 lakhs के बीच में है 20% टैक्स भरना है। सो अगेन क्या होगा, जैसे कि आपकी जो भी इनकम है सपोज करो कि 13 lakhs है, ठीक है, 13 lakhs है आपकी इनकम, अब इसको 3-3 में डिवाइड करोगे, सो कितने पार्ट्स बनेंगे, 3-3-3-3, 12 हो गया, बचा कितना 1 lakh, तो इन पे जो है अलग अलग टाइप, जैसे फर्स्ट ये फर्स्ट वाला यहाँ पे आ गया तो जीरो टैक्स, यहाँ पे 5%, ये 3 lakhs पे 5%, इस 3 lakhs पे 10%, इस 3 lakh पे 15%, और बचा हुआ जो 1 lakh है उस पे 20%। सो बेसिकली क्या होता है कि आपकी इनकम जो भी है 3-3 lakhs में डिवाइड करो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर टैक्स का परसेंटेज निकाल सकते हो। तो आपको पूरा एड कर दोगे सो आपको टोटल टैक्स जो भरना है वो पता चल जाएगा। और अगर आपकी इनकम अबव 15 lakhs है सो मतलब 15 lakhs माइनस करने पे जो भी अमाउंट बच रहा है उस पे 30% होगा और बाकी जो स्लैब्स है उसके अकॉर्डिंग टैक्स का परसेंटेज अप्लाई होगा, ठीक है। सो ये न्यू टैक्स स्लैब से अगर आप कंपेयर करोगे प्रीवियस वाले से जो लास्ट ईयर था 2022 और 23 के लिए, सो वहां पे फर्स्ट वाला 0 to 2.5 था, यहाँ पे 2.5 to 5 था, नेक्स्ट था 5 to 10 और फिर अबव 10, ठीक है। सो अभी ये नए टैक्स स्लैब से अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे को चूज करते हो, बाय डिफॉल्ट अभी न्यू टैक्स रेजिमे ही होगा, अगर आप ओल्ड चूज करोगे तो आपको ओल्ड के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होगा, अगर आप न्यू चूज कर रहे हो या बाय डिफॉल्ट अगर वो चोजन है सो आपको न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होगा, ठीक है।
सो अब हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि 7 लाख से अगर कम है आपकी इनकम या 7 लाख से तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। तो अगर आपको जीरो टैक्स ही पे करना है तो ये स्लैब्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 6 to 9 लाख वाला जो है यहाँ पे, तो अगर आपकी इनकम 7 लाख है मतलब आपको ये वाला टैक्स जो है ये भी भरना है और यहाँ पे भी भरना है ना। तो क्यों बोल रहे हैं कि 7 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, तो वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। सो बेसिकली न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 87A अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपको 25,000 रुपीज का रिबेट मिलेगा, मतलब 25,000 रुपीज का छूट मिलेगा। इसको डिटेल में अगर देखो, एग्जाम्पल लेके देख लो, सपोज आपका इनकम है 7 लाख, ठीक है, इन स्लैब्स में देखोगे सो 7 लाख से मतलब ये वाला टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे 15,000 भरना है आपको और यहाँ पे बचा कितना, 1 लाख बचा है ना, 3,3,6 हो गया और यहाँ पे 1 लाख बचा, तो 1 लाख पे आपको 10% देना है, मतलब 10,000 देना है ना। सो टोटल कितना हो गया, टोटल टैक्स आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 25,000। अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखो, सो यहाँ पे आपको 25,000 का छूट मिल रहा है बट हमारा टैक्स कितना आया था, 25,000। तो 25,000 का अगर छूट मिल गया तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा, सो आपका जीरो टैक्स आ जाएगा। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपको जीरो टैक्स भरना है। अब अगर आपकी एनुअल सैलरी 7 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, उस केस में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई रिबेट नहीं मिलेगी, आपको टैक्स न्यू स्लैब्स के अकॉर्डिंग भरना होगा, ठीक है। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, जैसे किसी की सैलरी अगर 7.5 लाख है सैलरीड इंडिविजुअल, तो उस केस में आपको टैक्स नहीं भरना है, क्यों, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 अप्लाई होता है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 7.5 लाख है तो 7 लाख हो गया ना, क्योंकि 50,000 माइनस कर दिया, सो अगेन 7 लाख हो गया, सो ये 25,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, उसका सैलरी 7.5 लाख या उससे कम है, सो उस केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। ऑल्सो अगर आप पेंशनर हो, लाइक आपको पेंशन मिल रही है और आपकी पेंशन एनुअली 7.5 लाख है, तो उस केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि अगेन वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।